नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खी पर। पटना में अब मात्र 15 रुपए में मिलेगा भरपेट खाना। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के निधन पर सीएम नीतीश कुमार ने जताई शोक संवेदना। बिहार पंचायत चुनाव में ऐसे मुखिया सरपंच नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव। राज्य के कई हिस्सों में मानसून के डबल असर से 10 जुलाई तक है येलो अलर्ट। तेजस्वी के बाद चिराग पासवान ने किया नीतीश सरकार के गिरने का दावा। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। पटना में अब मात्र 15 रुपए में मिलेगा भरपेट खाना। अब पटना नगर निगम में शहरवासियों को मात्र 15 रुपए में पेट भर के खाना मिलेगा। इसकी जिम्मेदारी भामाशाह फाउंडेशन पटना को दी गई है, जो शहर के लोगों को महज 15 रुपए में दिन में चावल, दाल, सब्जी, भुजिया और अचार देंगे, जबकि रात के समय में इतने ही रुपए में रोटी, दाल, सब्जी, भुजिया और अचार दिया जाएगा। बताते चले कि भामाशाह फाउंडेशन पटना में मरीजों और उनके परिजनों को पीएमसीएच में पौष्टिक भोजन 15 रुपए में उपलब्ध करा रही है, इसलिए नगर निगम ने इस संस्था को ही शहर के दूसरे महत्वपूर्ण इलाकों में भोजन की व्यवस्था करने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत गरीबों, मजदूरों और जरूरतमंदों को इसका लाभ मिलेगा। निगम ने इसके लिए 18 जगहों का चयन किया है, जहां अनुमति मिलने के बाद इस पर काम किया जाएगा। इसके तहत पटना के मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, अगमकुआ, शीतला मंदिर, राजेंद्र नगर टर्मिनल के दोनों तरफ स्टेशन पर, बस स्टैंड में 3 जगह, तीनों गेटों पर, गांधी मैदान, एग्जीबिशन रोड, पुल के नीचे, एनएमसीएच, कुर्जी, आईजीआईएमएस, सिविल कोर्ट के साथ कुल 18 जगहों पर भोजन की व्यवस्था करने का प्लान बनाया गया है। आज भारत के बेहतरीन कप्तानों में शुमार महेंद्र सिंह धोनी का है जन्मदिन। भारतीय क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल देने वाले महेंद्र सिंह धोनी का जन्म आज ही के दिन साल 1981 में रांची, तब के बिहार व आज झारखंड में हुआ था। एक विकेट कीपर के तौर पर धोनी को टीम में शामिल किया गया था, जिसके बाद बल्लेबाजी से करिश्मा दिखाने से लेकर साल 2007 में T20 वर्ल्ड कप की कप्तानी में भारत को जीत दिलाकर उन्होंने अपना नाम इतिहास में दर्ज करवाया। वर्ल्ड कप 2011, चैंपियंस ट्रॉफी 2013, एशिया कप 2010, 2016 और ना जाने कितने ही बायलैटरल सीरीज में धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने जीत हासिल की। साल 2009 में धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने पहली बार टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया था। वहीं आईपीएल में भी धोनी ने अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग्स को 3 बार आईपीएल का चैंपियन बनाया। धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। साथ ही 1 नवम्बर 2011 को भारतीय टेरिटोरियल आर्मी ने उनको लेफ्टिनेंट पद से भी सम्मानित किया। कपिल देव के बाद धोनी यह सम्मान पाने वाले दूसरे क्रिकेटर है। आज से होटल और रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने की मिल गई इजाजत। बिहार में आज से अनलॉक 4 की गाइडलाइन शुरू हो चुकी है, जो कि अगले महीने अगस्त की 6 तारीख तक लागू रहेंगे। इस बार होटल और रेस्टोरेंट को खास राहत दी गई है, जिसके तहत आज से सभी होटल और रेस्टोरेंट में 50% क्षमता के साथ खोले गए हैं, जहां लोग बैठकर खाना खा सकते हैं। लंबे समय के बाद यह राहत मिलने से होटल व रेस्टोरेंट के मालिक और वहां के कर्मी खुश हैं और सेल के बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। साथ ही इस दौरान इन जगहों पर सैनिटाइजेशन का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। वहीं बिना मास्क लगाए किसी भी लोग को एंट्री नहीं मिलेगी। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के निधन पर सीएम नीतीश कुमार ने जताई शोक संवेदना। बॉलीवुड के महान अभिनेता दिलीप कुमार का आज बुधवार की सुबह निधन हो गया। वे 98 वर्ष के थे। आपको बता दें कि दिलीप कुमार काफी समय से बीमार चल रहे थे। दिलीप कुमार को अलविदा कहने की खबर उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर दी गई। वहीं लीजेंड एक्टर के निधन पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने श्रद्धांजलि दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, शाहनवाज हुसैन, चिराग पासवान समेत बिहार के कई नेताओं ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता होने के साथ ही उन्होंने राज्यसभा के सदस्य होने का भी गौरव बढ़ाया। उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अलावे पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए इम्तियाज से भी नवाजा गया था। उनके निधन को मुख्यमंत्री ने भारतीय सिनेमा जगत को अपूर्णीय क्षति होना बताया। साथ ही साथ इस दुख की घड़ी में धैर्य धारण करने की भी अपील की है। इसके अलावे राजद के राज्यसभा सांसद डॉक्टर मीसा भारती ने भी उन्हें पीढ़ियों तक प्रेरित करने वाला बताया। बिहार पंचायत चुनाव में ऐसे मुखिया सरपंच नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों में आयोग के साथ साथ उम्मीदवार की तैयारियां भी जोरों पर है, मगर चुनाव संबंधित अधिसूचना फिलहाल जारी नहीं की गई है। इस बीच आपको बता दें कि कौन से जनप्रतिनिधि इस पंचायत चुनाव में लड़ सकते हैं। बता दें कि शक्तियों का दुरुपयोग करने वाले मुखिया और सरपंच जो पद से हटाए गए हैं, ऐसे लोग अगले 5 सालों तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके साथ ही लेखा प्रस्तुत नहीं करने वाले मुखिया या फिर सरपंच 3 वर्षों तक लागू चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। साथ ही नाम निर्देशन की अंतिम तिथि तक 21 वर्ष पूरा नहीं करने वाले, केंद्र और राज्य में स्थानीय सेवा में नहीं रहने वाले, 6 माह तक सजा पाने वाले, कदाचार के रूप में पद से हटाए गए जनप्रतिनिधि भी इस चुनाव को नहीं लड़ पाएंगे।
राज्य के 5 जिलों में गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए होगा भूमि अधिग्रहण। केंद्र सरकार के द्वारा ओडिशा के पारादीप से असम के नुमालीगढ़ तक 1640 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन को बिछाने की योजना है, जिसमें बिहार के भी 200 किलोमीटर के क्षेत्र इस दायरे में आने वाले हैं। इसके तहत भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज जिलों से होकर जमीन के अंदर से पाइप गुजरेंगी। बिहार के इन जिलों में किसान इस परियोजना के लिए जमीन देने में आनाकानी भी कर रहे हैं और एनएच के लिए निर्धारित मुआवजे की दर से ही उन्हें भी मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। इस बीच राज्य सरकार और रिफाइनरी के बीच सहमति बनी है, जिसके मुताबिक किसी भी तरह की भूमि विवाद होने पर इसका हल निकालने के लिए वहां के सदर भूमि सुधार उपसमाहर्ता को सक्षम पदाधिकारी बनाया जाएगा। साथ ही रैयतों को भी इसके लिए उचित मुआवजा दिया जाएगा। राज्य में अवैध खनन में लिप्त वाहनों को पास श्रेणी में बांट कर वसूला जाएगा जुर्माना। बिहार में अवैध खनन को लेकर नया कानून बीते दिन मंगलवार से ही लागू हो गया है। इसके मुताबिक अब नए नियम में बिना सरकारी अनुमति के नदियों से बालू का खनन करने वाले और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को पकड़े जाने पर 25 गुना जुर्माना भरना पड़ेगा। नए प्रावधान में सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि अवैध खनन में लगे वाहनों को भी 5 श्रेणियों में बांट कर जुर्माना वसूला जाएगा। इसके मुताबिक ट्रैक्टर ट्रॉली वाहन मालिक से 25,000 रूपए, मेटाडोर हाफ ट्रक 607/608 से 50,000 रूपए वसूले जाएंगे। तीसरी श्रेणी में फुल बॉडी ट्रक, डंपर से 1,00,000 रूपए, 10 या इससे अधिक पहिए वाले वाहन मालिकों से 2,00,000 रूपए वसूले जाएंगे। जबकि पांचवी श्रेणी में क्रेन, एक्सकवेटर, लोडर, पावर हैमर, कंप्रेशर, ड्रिलिंग मशीन के मालिकों से जुर्माने के तौर पर 4,00,000 रूपए हर्जाना वसूला जाएगा। राज्य के कई हिस्सों में मानसून के डबल असर से 10 जुलाई तक है येलो अलर्ट। बिहार में मानसून का दोहरा असर दिख रहा है, जिससे उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में बसे राज्यों में 10 जुलाई तक लगातार बारिश होने की संभावना है और इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। दरअसल बिहार से होकर अभी 2 ट्रफ लाइनें उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में गुजर रही है, जिस वजह से यहां के जिलों में बारिश हो रही है। इसे देखते हुए अब 10 जुलाई तक करीब सभी जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी है। हालांकि मानसून सामान्य होने के बावजूद भी प्रदेश का पारा ऊपर चढ़ने लगा है। बीते दिन मंगलवार को राजधानी में अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सामान्य तौर पर आजकल शहर का तापमान 33.4 डिग्री होना चाहिए था। अफसरों पर मनमानी करने का आरोप लगाने वाले मदन सहनी फंसे अपने ही जाल में। बिहार में समाज कल्याण मंत्रालय का जिम्मा उठाने वाले मंत्री ने उनके विभाग के अफसरों पर मनमानी करने का आरोप लगाया था, मगर असली फाइल सीएम के पास पहुंचने के बाद मंत्री जी खुद ही बैकफुट पर आ गए। दरअसल इस्तीफा पेश करने के बाद बीती शाम नीतीश कुमार ने मंत्री मदन सहनी को मिलने के लिए अपने आवास पर बुलाया था, जहां प्रधान सचिव द्वारा पेश किए गए फाइल के रिपोर्ट से पता चला कि मदन सहनी जिसकी ट्रांसफर पोस्टिंग करवाना चाह रहे थे उसमें कई गड़बड़ियां पाई गई। उसमें पहले से सीडीपीओ को अच्छे जगह पर ट्रांसफर करने की सिफारिश की गई थी, जिसके बाद मदन सहनी दोबारा बैकफुट पर आ गए और उन्होंने कहा कि अब सब कुछ सही है। 495 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के बाद प्राथमिक शिक्षक के लिए हुआ चयन। बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों में पहली से पांचवी तक के लिए 94,000 शिक्षकों की बहाली के काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, जिसके तहत बीते दिन मंगलवार को नगर निकायों में काउंसलिंग के बाद 495 अभ्यर्थियों का चयन शिक्षक के लिए कर लिया गया है। चुने गए इन अभ्यर्थियों को 28 जिलों के 68 नगर निकायों की नियोजन इकाइयों के द्वारा 782 पदों के लिए आयोजित काउंसलिंग में चुना गया है, जबकि उनमें से 287 पद खाली ही रह गए। इस क्रम में सभी जिलों से शिक्षा विभाग को मिली रिपोर्ट के मुताबिक पूर्णिया और नालंदा में सबसे अधिक 43-43 शिक्षक अभ्यर्थी चयनित हुए। पटना में 65 पदों के विरुद्ध 35 शिक्षक नियोजित हुए। वैशाली में 34, औरंगाबाद और पश्चिमी चंपारण में 32-32, रोहतास में 26 व बेगूसराय में भी 26, पूर्वी चंपारण में 20, मधेपुरा में 18 व सारण में सबसे कम एक अभ्यर्थी का चयन हुआ है। नेपाल सीमा पर ड्रोन कैमरों के साथ मिले बिहार के तस्करों से हुई पूछताछ। बीते 27 जून को एसएसबी जवानों ने नेपाल से भारतीय सीमा में आ रहे एक कार के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया था। इनके पास से 8 ड्रोन कैमरे भी बरामद किए गए थे। गिरफ्तार तस्करों में सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया थाना क्षेत्र के विक्की कुमार, कुनवा चैनपुर थाना क्षेत्र के महुआ गांव निवासी कृष्णनंदन कुमार और राहुल कुमार शामिल है, जिनसे बीते दिन मंगलवार को पूर्वी चंपारण के एसपी, डीएसपी व आईबी के डीएसपी ने घंटों पूछताछ की। इस दौरान पता चला कि गिरफ्तार तीनों ने नेपाल से 8 ड्रोन कैमरों को 4,00,000 रूपए में खरीद कर भारत ला रहे थे, जिसका शादी समारोह में भाड़े पर उपयोग किया जाएगा। तीनों पर पूर्व से किसी तरह का मामला दर्ज नहीं है। पूछताछ के बाद तीनों की मेडिकल जांच कराकर उन्हें जेल भेज दिया गया है। बालू माफिया पर उचित कार्रवाई न करने वाले 9 पुलिस कर्मियों को किया गया सस्पेंड। बिहार में अवैध खनन करने वालों के साथ ही इस मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कड़ा रुख अपनाया जा रहा है। ताजा मामले में छपरा जिले में अवैध बालू खनन, परिवहन और भंडारण रोकथाम में कोताही बरतने वाले 9 पुलिस कर्मियों को
को सारण एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। साथ ही साथ दो थानाध्यक्षों को शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है। इसके तहत छपरा के सोनपुर थाना क्षेत्र और शिव बच्चन चेक पोस्ट पर तैनात थानाध्यक्षों को कार्य की मॉनिटरिंग नहीं करने को लेकर शो कॉज जारी किया गया है। साथ ही एसपी ने जिले के सभी एसडीपीओ, अंचल अधिकारियों और थानाध्यक्षों से सभी चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस व कर्मियों पर निगरानी रखने के साथ ही जिनका आचरण संदिग्ध है उनके संबंध में रिपोर्ट देने को कहा है। तेजस्वी के बाद चिराग पासवान ने किया नीतीश सरकार गिरने का दावा। लोजपा में टूट होने के बाद से ही चिराग पासवान को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुले तौर पर अपना भाई बताकर समर्थन दे रहे हैं। वहीं अब इन दोनों युवा नेताओं के बोल भी एक दूसरे से मेल खा रहे हैं। तेजस्वी यादव के बाद अब चिराग पासवान भी जल्द ही बिहार में सरकार गिरने का दावा कर रहे हैं। इस कड़ी में बीते दिन मंगलवार को मीडिया से मुखातिब होकर चिराग पासवान ने दावा किया कि बिहार की सियासत में अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है। उन्होंने राज्य में बड़ी टूट होने का दावा करते हुए कहा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि ये सरकार साल दो साल से अधिक नहीं चलेगी और अब इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू है। तेज प्रताप यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद घर पर चल रहा है इलाज। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और हसनपुर सीट से विधायक तेज प्रताप यादव की तबीयत अचानक से खराब हो गई, जिसका इलाज घर पर ही किया जा रहा है। जिनके डॉक्टर के मुताबिक तेज प्रताप ने हाल ही में कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक की डोज ली है, जिसके असर से उन्हें बदन दर्द हो रहा था और हल्का बुखार था जो कि अब स्थिर बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक तेज प्रताप की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। उन्हें हल्का बुखार के साथ सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उनके बीमार होने की सूचना पर सरकारी आवास पर तेजस्वी यादव भी पहुंचे, जहां डॉक्टरों की टीम को भी बुलाया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए एहतियातन एम्बुलेंस को भी तैयार रखा गया है। देश भर में कोरोना के मामलों में जारी है उतार चढ़ाव। देश भर में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 43,733 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 930 लोगों की मौत भी हुई है। इस दौरान कुल 47,240 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद देश भर में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 4,59,920 हो गई है। वहीं बात अगर हम अपने बिहार की करें तो बिहार में बीते दिन के बीते 24 घंटे के दौरान 143 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 221 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में एक्टिव मरीज की संख्या 1,221 हो गई है। वहीं रिकवरी दर 98.50% हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम के अब तक के सबसे श्रेष्ठ कप्तान धोनी को माना जा सकता है या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।